हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? तो आ जाइए, जरा जुड़िए आप अपने वन डिफेंस सॉल्यूशन के आपका जो है बेसिकली चैनल पे, जहां पे आपको आके सारी अपडेट्स मिल जाती हैं और आप देखते हैं जहां से आपका जो है संपूर्ण तैयारी आपको देखने को मिलती है, आपका अपना यूट्यूब चैनल LWS ड्रीम डिफेंस। तो पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज लोहड़ी की आपका जो है बेसिकली बधाइयां, आज लोहड़ी है और मकर संक्रांति कल आपका हमको देखने को मिल जाएंगी। तो त्योहार पे त्योहार आए जा रहे हैं और हमें अपनी तैयारी को आपका जो है मजबूत करना है, त्योहारों के चक्कर में बह नहीं जाना है कि भाई त्योहार मनाते मनाते आपका जो है तैयारी छोड़ दी। तो इसके साथ साथ आपका जो है, आप लोग कई सारे अपडेट्स आपके लिए आ रहे हैं, पूर्ण तैयारी आपका जो है हो रही है हमारे साथ। और अगर फिर भी कोई आपका डाउट्स लगते हैं तो फिर आप जो है उनको कमेंट सेक्शन में आपका लिख दिया करिए, ताकि आपके जो है पास हम पहुंच पाए। तो आज का जो अपना मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि CDS एग्जाम के बारे में जितना भी उसका सिलेबस है, जितने भी आपका एग्जाम में आपका कहानी बैठ रही है, वो कहां से आपका बैठ के आ रही है, कहां से आपका जो है चीजें शुरू हो पा रही है, तो उनके बारे में आज पूरी अपडेट हम जानेंगे। हम जानेंगे कि किस तरीके से आपका जो है एग्जाम का पैटर्न है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि सब बच्चे आपका जो है एक ही ट्रैक पे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार आपका सोचा होगा कि चलो CDS की तैयारी शुरू कर लेते हैं, तो उससे पहले ये तो पता हो कि एग्जाम किस तरीके से हो रहा है और एग्जाम में आपका जो है क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो जरा एक बार आपका जो है समझने की कोशिश करते हैं कि जरा ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले भाई लोग आपका जो है शुरू करते हैं अपने CDS के एग्जाम के बारे में। ठीक है, CDS का एग्जाम एक आपका जो है बेसिकली, इसको फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं यहां पे, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ठीक है जी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का मतलब आपका जो है क्या रहेगा कि भाई जितने भी आपका जो है बेसिकली आर्म फोर्सेस हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, उनका एक कंबाइंड एग्जाम आपका जो है यहां पे कंडक्ट कराता है कौन? यूपीएससी। कौन कंडक्ट करा रहा है जी? यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है। अब अगर यूपीएससी आपका कंडक्ट करा रहा है इस एग्जाम को, तो उसके बाद हम यहां से ये देखते हैं कि इसके आपका सेक्शन को या सेगमेंट को किस हिसाब से आपका डिवाइड किया गया है। जरा ध्यान से समझना, देखो भाई दो आपका तरीके हैं, एक तो सबसे पहले IMA, AFA और आपका नेवल अकेडमी। ठीक है जी, ये तीन आपका जो है बेसिकली एग्जाम एक तरफ, और एक एग्जाम आपके पास जो आता है जिसे हम कहते हैं OTA। ठीक है जी, तो ये दो एग्जाम में पहले अपन आपका जो है बात करेंगे कि ये दो सेगमेंट है जहां से हम आपका देखते हैं। अगर मैं IMA की बात करूं, इधर की बात करूं, तो यहां पे आपका जो है बेसिकली बॉयज हमारे जो है आपका जो है धुरंधर सारे आपका यहां पे दे सकते हैं एग्जाम को, और OTA के लिए आपका जो है बेसिकली बॉयज और गर्ल्स जो है दोनों ही परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो सर अलग क्या है इसमें दोनों में? इसमें एज का क्राइटेरिया आपका जो है बेसिकली बैठ जाता है। यहां पे एज क्राइटेरियाज में आपका जो है 23 तक आपका समापन हो जाता है, और यहां की जो आपका एज है दैट इज 25 इयर्स तक आपका जो है बेसिकली आप एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आपको दो अतिरिक्त चांस या एक्स्ट्रा चांस आपका देखने को मिल जाएंगे। अब भाई जरा ध्यान से सुनना, देखो जो लोग आपका IMA, AFA और आपका NA के लिए जा रहे हैं, इनके पास आपका सब्जेक्ट रहते हैं तीन। कितने सब्जेक्ट में आपका कहानी बढ़ जाएगी? सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे आपका तीन। पहला पेपर जो आपका कंसिस्ट करता है वो करता है मैथ्स से रिगार्डिंग, मैथ्स के बाद दूसरा पेपर जो आपका बेसिकली हम देखेंगे वो देखेंगे इंग्लिश का, और उसके बाद तीसरा पेपर जो हम देखते हैं वो देखते हैं अपना GS का। ठीक है, ऑल्दो इसका सीक्वेंस कैसा रहेगा, पहला पेपर इंग्लिश का होगा फर्स्ट पेपर, दूसरा पेपर आपका GS का, और शाम होते होते जब आपका पूरा खून निचुड़ जाएगा आपका जो है, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है मैथ्स का पेपर जहां पर आपसे सोल्यूशन कराए जाते हैं। ठीक है जी, ये पेपर टोटल जो है वो कंसिस्ट करता है 300 मार्क्स। ठीक है, तो सर 300 मार्क्स आपका जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये भी समझा दो यार एक बार। तो देखो भाई, देखो सबसे पहले आपका जो है मैथ्स का जो पेपर है इसमें रहते हैं 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन आपका जो है आते हैं 100 मार्क्स के। ठीक है जी, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, उसके बाद आपका जो है बेसिकली 120 क्वेश्चन आपका कहां पे रहेंगे इंग्लिश में, और मार्क्स 100। इसके बाद आपका जो है कहां पे है 120 क्वेश्चन फिर से आपका GS के सेगमेंट में, और आपका आंसर कितने हैं, मार्क्स कितने हैं, मार्क्स हैं आपके पास 100। तो 100, 100 और 100, विच मींस कि आपका 300 मार्क्स का आपका एक पेपर आपका क्या हो रहा है, तैयार आपका हो जा रहा है। अगर मैं बात करूं OTA की, तो OTA में मार्क्स आपका जो अलोकेट किए गए हैं दैट इज 200 मार्क्स का पेपर आपका होता है, और 200 मार्क्स के पेपर के बाद आपका इसमें सेगमेंट क्या है, इसमें इंग्लिश सेम जो आपका जाएगी 100 मार्क्स की, और उसके बाद GS जो कि आपका सेम जाएगी आपका कितने नंबर की, 100 नंबर की। ठीक है जी, तो इतनी बातें तो आपका मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी कि भाई पेपर में आपका डिफरेंस क्या है।
जो लोग आपका इधर आपका तैयारियां कर रहे हैं और जो लोग इधर तैयारियां कर रहे हैं उनके बीच में आपका जो है एक एग्जाम का फर्क है, वो है मैथ्स का। और मैथ्स आपका 100 नंबर का बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाता है जब हम ओटीए के पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं। यहां पे आपका जो है हम बात करते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी की, और यहां पे हम बात कर रहे हैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी और नेवल अकेडमी की, जहां पे आपको जो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स का आपका आंकड़ा कंपलसरी होना चाहिए। और ओटीए के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आप बेसिक बीए से भी आपका जो है आ रहे हैं तो भी आप ओटीए का एग्जाम भर सकते हैं। बीए कॉमर्स आपका जो है चाहे साइंसेस वाले सब ओटीए दे सकते हैं, पर यहां पे फिजिक्स और मैथ्स आपका थोड़ा सा कंपलसरी हो जाता है। अब सर ये तो आपका समझ में आ गया कि भाई क्या है एग्जाम में, क्या नीड कर रही है, कितने एग्जाम है। जरा एक बार ये और समझा दो कि सर पेपर में आपका सिलेबस क्या क्या है, क्योंकि उसी के ऊपर तो हम बात करने आए हैं आज कि हमारा सिलेबस क्या है, एग्जाम का पर्सपेक्टिव क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, उनके बारे में भी जरा एक बार बात कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। आप देखिए सबसे पहले आपका जो है मैं बात करता हूं इंग्लिश के पर्सपेक्टिव की, ठीक है जी। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे एक तो एरर फाइंडिंग सबसे आपका जो है फेवरेट टॉपिक रहता है, कहां का सबसे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है यूपीएससी का, एरर फाइंडिंग पे बात करेंगे। एक जो टॉपिक है जिसको आपने जो है इंपॉर्टेंटली आपका कनेक्ट करना है, जिसे आप कहते हैं क्लोज टेस्ट, ठीक है जी, इसको आपने अच्छे से समझना है। इसके बाद एक आपका जो है पैराग्राफ, अनसीन पैसेज जिसे आप कहते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के बाद जो आपका चौथी बात होती है वो आपकी बात होगी कहां पे, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। और इसके अलावा जो फिर हम बात करेंगे वो हमारी बात कहां पे होगी, वो हमारी बात होगी आपका जो है बेसिकली जितने भी आपका जो है एक्टिव पैसिव वाले आपका जो है क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहे हैं, ये देखने को आपका जो है हमको मिल जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हम आपका जो है देखते हैं कि क्वेश्चन आपका लगातार आ ही रहे हैं, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो मस्ट रीड आपके पास होने चाहिए, आपकी जो है बेसिकली सबसे पहली लिस्ट में आपका खुल जाने चाहिए, जहां से मैं समझता हूं कि आपको जो है काफी मदद मिलनी चाहिए। और ये टॉपिक अगर आपके जो है आपका आ गए हैं टिप्स पर, तो आप यकीन मानिए कि आप एक एरर फाइंडिंग की आपका जो है बेसिकली वो भी आपका देख सकते हैं, या एरर डिटेक्शन के बाद स्पेलिंग मिस्टेक का आपका एक ऑप्शन आता है, स्पेलिंग मिस्टेक वाले आपका क्वेश्चन आजकल पूछने लग गया यूपीएससी, पहले तो नहीं पूछता था ज्यादा, पर आजकल आपका जो है उसने इन पे भी आपका क्या बना लिया है, इन पे भी आपका जो है अपनी पकड़ अच्छी बना ली है, स्पेलिंग मिस्टेक्स के साथ आपका जो है क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो ये आपका जो है कुछ टॉपिक रहेंगे जहां पे हम क्या देख सकते हैं, जहां पे हम अपनी तैयारी को बेसिकली अप्रोच कर सकते हैं। इंग्लिश के बाद अगर मैं बात करूं आपका जो है बेसिकली जीएस के सेक्शन की, जरा अब इस सेक्शन को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आपका एक सिलेबस रहा जहां मतलब सिलेबस तो काफी बड़ा है, पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम आपका जो है सबसे पहले अप्रोच कर सकते हैं एग्जाम को शुरू करने से पहले, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जरा जीएस के सेक्शन की, और जीएस के सेक्शन को आपका जो है देखिएगा बड़ा लंबा चौड़ा सेक्शन है। जीएस के सेक्शन को आपका डिवाइड आप ऐसे करेंगे, जीएस में आपका एक तो जीएस हो जाता है और एक जी आ जाता है। सबसे पहले आपका एक सेगमेंट है पॉलिटी, पॉलिटी के बाद दूसरा सेगमेंट आपका जो है कौन सा आ जाता है, दूसरा सेगमेंट आपका आ जाता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद आपका जो है तीसरा सेगमेंट जो आता है पेपर में जो देखने को मिलता है उसे आप कह देते हैं आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स के अलावा आपका जो है एक नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आता है जिसे हम बात करते हैं करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के अलावा आपके पास अब आती है साइंसेस, और साइंसेस में आपका जो है बेसिकली टॉपिक्स फिर से आपका डिवाइड हो जाते हैं, यहां पे सब्जेक्ट्स फिर से डिवाइड हो जाएंगे। सबसे पहला जो आपका हम बात करते हैं वो बात करते हैं फिजिक्स के ऊपर, फिर बात करते हैं आपका केमिस्ट्री के ऊपर, और तीसरी बात जो हमारी होती है वो होती है हमारी किसके ऊपर, बायो के ऊपर। देखो ऑल्दो पिछले 2-3 साल से आपका जो है साइंसेस के टॉपिक के ऊपर पकड़ बराबर ही बना के रखी है, 10-11 क्वेश्चन वो आपका जो है बराबर पूछ रहा है, पर फिर भी यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बायो ना उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जहां से वो ज्यादातर क्वेश्चन आपका पकड़ने की कोशिश करता है। पर 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि आपका जो है बायो को थोड़ा सा प्रेफरेंस कम करके बराबर हिस्सों में आपका बांट दिया है। तो अगर आपका देखेंगे 25-30 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं आपका साइंसेस से, तो उसमें बराबर वेटेज आपका सारी जगह आ रही है। पर फिर भी मतलब मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप सब्जेक्ट कोई ना छोड़ें, बराबर तैयारी सबकी रखें, और बायो का थोड़ा सा वेटेज आपका जो है ज्यादा देते हुए चले। इनके टॉपिक्स अभी मैं लिखवाऊंगा, परेशान ना हो। पहले हम जरा इस सेगमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं अपने, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के ऊपर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर साल आपका पेपर में देखने को मिल ही रहे हैं। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक तो फंडामेंटल राइट और एक डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है, जहां से एक क्वेश्चन हर साल पेपर में छपके आता है,
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है जी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अलावा आपका जो है बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहता है, जहां से आप अपना जो है बेसिकली तैयारी देखते हैं, इसे कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में से एक टॉपिक या तो आपका जो है वो कहां से उठाएगा, एक टॉपिक उठा लेगा या तो प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट की पावर से क्वेश्चन पूछता है वो, इमरजेंसी पावर वगैरह जितनी भी है उसकी। या फिर दूसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट रहता है उसके लिए वो रहता है आपका जो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की आपका जो है बेसिकली क्या क्या पूछता है वो, कि इसकी एज लिमिट कितनी है, इसका क्राइटेरिया कितना है, या फिर उसकी सुप्रीम कोर्ट की पावर से क्वेश्चन आपका जो है देखने को मिल जाता है आपको, ठीक है जी। और तीसरा क्वेश्चन जो आपका वो उठाता है, वो उठाता है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में क्वेश्चन कहां कहां से उठता है, एक तो फंड से क्वेश्चन आता है, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, कंटीजेंसी फंड क्या होता है, या फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज जो हैं, ये आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया रहती है जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज। और एक ना अगर आपका जो है तैयारी आप कर रहे हैं लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे या जहां से भी आप यूट्यूब वीडियोज देख रहे हैं, तो उनमें आपका क्या करना है, आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रखनी है वो ये रखनी है कि इनमें सेक्रेटरीट के आपका जो है बेसिकली क्वेश्चन पेपर में आपका देखने को मिलते रहते हैं। तो सेक्रेटरीट वगैरह जैसे लोकसभा और राज्यसभा का अपना अलग अलग सेक्रेटरीट होता है, सचिवालय जैसे आप कहते हैं, तो उनसे भी आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम जो आपका चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं आपका कहां पे, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। स्टेट गवर्नमेंट में से भी आपका सेम, या तो अब इस साल जो मैं आपका सोच के बैठा हूं कि एक गवर्नर से क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए, गवर्नर की पावर से क्वेश्चन पूछ ले, या गवर्नर से आपका जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट याद रखना, डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन से इस साल आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको जो है, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन से आपका जो है बातें हो सकती हैं कि भाई यहां पे क्या हो रहा है, कैसी आपका चर्चाएं हैं, ये वाले टॉपिक आपका जो है इंपॉर्टेंट पकड़ रह जाएगी। गवर्नर के अलावा आपका जो है या तो हाईकोर्ट से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आपका जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बैठ जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम फिर बात करते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे। पंचायती राज और या म्यूनिसिपैलिटी से आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली हम देख सकते हैं। म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर हम आपका बात कर सकते हैं कि यहां से आपका एक टॉपिक बन रहा है या फिर हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में जैसे यूपीएससी के बारे में बात कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में हम सबसे पहले यूपीएससी के बारे में बात कर सकते हैं, दूसरी आपका इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर सकते हैं, इनकी पावर्स वगैरह के ऊपर बात हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है स्टेट पीसीएस के बारे में भी बात हो सकती है, एसपीएससी जिसे आप कहते हैं। और आपका जो है इनके अलावा अगर आप बढ़ेंगे तो नीति आयोग के आपका जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर नेशनल कमीशन जितनी भी है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनसे आपका जो है एक क्वेश्चन आपका पेपर में बनने के कगार आपका देखने को मिलते हैं। और एक आर्टिकल है जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 371, जहां पे स्पेशल स्टेटस आपका जो है ग्रांट कर रखा है, जैसे अलग अलग स्टेट हैं, जैसे आपका जो है नागालैंड हो गए, फिर मिजोरम हो गए, फिर सिक्किम हो गए, उनके ऊपर हम बातें करते हैं। तो ये एक आपका टॉपिक आर्टिकल 371 से इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो ये जरा एक बार आपका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो ये पॉलिटी में आपका जो है क्वेश्चन देके जाएगा लगभग लगभग 15 से लेके और 18 क्वेश्चन तक आपका जो है बेसिकली यहां पे आप टारगेट कर सकते हैं। तो यहां पर एक टारगेट एरिया आपका देखने को मिल जाएगा आपको। दूसरा हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपका कहां पे, वो बात करते हैं ज्योग्राफी के सेक्शन के ऊपर। देखो ज्योग्राफी का एक सेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है और यहां से आपका फिर से आपको देखने को मिलेंगे 15 से आपका जो है 17 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन के बीच में आपका टारगेट करती है यूपीएससी। इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे वो आते हैं इंडियन ज्योग्राफी से टारगेटेड होके। देखो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैपिंग, ठीक है। अगर आपको इंडिया की मैपिंग के बारे में पता है, कौन सी स्टेट कौन सी आपका स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो वो आपका एक क्वेश्चन वहां से आपका उठा रहा है, या फिर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड जो है वहां से आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, या फिर वो आपका बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ये पूछ सकता है कि 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, वहां से एक क्वेश्चन आपका उठ जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपका अपनी थ्योरियों की तरफ, जितनी भी आपका थ्योरीज रहती हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, या फिर आपका जो है बेसिकली बात कर लें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, तो इनके ऊपर आपका जो है एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पर ये डायरेक्टली आपका ना पूछ के वो कहां से क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है माउंटेन रेंजेस के ऊपर क्वेश्चन। अब माउंटेन रेंजेस के ऊपर अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो माउंटेन रेंजेस का मतलब हो गया कि भाई माउंटेन रेंजेस में आपका क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी स्टेट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, कहां पे आपका जो है बेसिकली ये पीक देखने को मिलती है, या फिर एक क्वेश्चन उसने प्रीवियस ईयर में पूछा था कि जैसे यहां से आपका जो है काराकोरम रेंजेस, लद्दाख रेंजेस, या फिर आपका जो है बेसिकली शिवालिक रेंजेस, और फिर उसके बाद आपका जो है मिडिल हिमालय में,
तो ये आपका अरेंज करवा लेता है कि नॉर्थ से साउथ में आने वाली आपका जो है माउंटेन रेंजेस को अरेंज कर दो। एक क्वेश्चन यहां से देख सकते हैं आप। इसके अलावा रिवर्स से एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है कि रिवर्स आपका जो है कौन कौन सी है। जैसे मुझे सीएपीएफ का एक पेपर का याद आता है क्वेश्चन कि उसने पूछा था चार रिवर देखे, लूनी रिवर, माही, साबरमती और एक बराक रिवर, और उसने कहा था विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजर्ट रिवर। तो वहां से भी आपका क्वेश्चन हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका आता है सॉइल से और एक क्लाइमेट से। देखो सॉइल में ना 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपका एक जो सॉइल का क्लासिफिकेशन दे रखा है वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आपका जो है बेसिकली एग्रीकल्चर की तरफ से आपका एक क्लासिफिकेशन है जिसमें हम पढ़ते हैं आपका इनसेप्टी सॉइल, वर्टी सॉइल, सेप्टी सॉइल। तो वो जो आपका एक ऑर्डर है उसमें वो पूछता है कि सबसे ज्यादा मात्रा कौन से की देखने को मिलती है, इनसेप्टी सॉइल की ज्यादा देखने को मिलेगी, वर्टी सॉइल की ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये एक क्वेश्चन आपका बनता है। और क्लाइमेट से ना वो एक क्वेश्चन उठाता है कि AWAS ये आपका क्या है, जैसे उसमें आपका किताब में दे रखा है कि S का आपका जो क्लाइमेट है वो आपका कोल्ड क्लाइमेट में देखने को मिलेंगे। तो ये अलग अलग जो क्लाइमेटिक वाले क्वेश्चन है वो आपका उठाता है यूपीएससी, ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो फेवरेट टॉपिक है आपका, ओशियन करंट से आपका क्वेश्चन देता ही देता है वो। अब ओशियन करंट से आपका टॉपिक क्या बनता है, देखो दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से, एक बनता है कि कोल्ड करंट कौन सा है और एक बनता है वार्म करंट कौन सा है। या ज्यादा से ज्यादा अगर वो अगर क्वेश्चन डीप में जाना चाहेगा तो अल्लीनो लालिनो के बारे में बात कर लेगा, ठीक है। तो अल्लीनो लालिनो के ऊपर आपका जो है क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। इसके अलावा फिर हमारी आपका जो क्वेश्चन बनती है वो बनती है एटमोस्फेयर से संबंधित। एटमोस्फेयर में आपका वो पूछता है कि कौन कौन सी लेयर्स हैं और कौन कौन सी लेयर में क्या क्या आपका जो है माहौल देखने को मिल रहा है। और एक ना ओशियनोग्राफी को आपका जो है हमने क्या देखना है, ओशियनोग्राफी के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि पृथ्वी के भीतर जो समुद्र के भीतर आपका क्या क्या देखने को मिलता है, उन सारी चीजों के ऊपर चर्चाएं हम आपका जो है करेंगे। इसके अलावा अब जो आपका हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका कहां से जाते हैं, जैसे माउंटेन पासेस का एक टॉपिक है, माउंटेन पासेस के टॉपिक को भी हम आपका जो है इंपॉर्टेंट रखते हैं। और माउंटेन पासेस के अलावा एक टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है जिसे आप कहते हैं नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क से वो आपका क्वेश्चन उठाता है। क्यों? क्योंकि नेशनल पार्क को वो कनेक्ट करके पूछता है आपका इंपॉर्टेंट स्पीशीज। जैसे एक भारत सरकार प्रोग्राम चलाती है जैसे कहते हैं 22 स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, तो वो कनेक्ट करके पूछता है कि कौन से नेशनल पार्क में क्या हो रहा है, या फिर वो आपका वेजिटेशन से कनेक्ट कर लेता है उस टॉपिक को कि कौन सा आपका जो है अल्पाइन में देखने को मिलेगा या फिर कौन सा तुंद्रा वेजिटेशन में देखने को मिलेगा। टैगा और तुंद्रा में ज्यादातर वेजिटेशन कहां पे देखने को मिलती है, तो टैगा क्या है, आप तुंद्रा वेजिटेशन क्या है, या फिर आपका माउंटेन जो आपका बेसिकली ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक फॉरेस्ट है उनमें ज्यादा आपका बारिश देखने को मिलती है, या ट्रॉपिकल एवरग्रीन में ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलेगी। तो अलग अलग वेजिटेशन को वो नेशनल पार्क से कनेक्ट कर लेगा या फिर वेजिटेशन का अलग से एक क्वेश्चन बना लेगा, ठीक है जी। इसके अलावा आपका जो बात होगी वो बात होती है आपका कहां पे, वो बात होती है आपका फिर जो टॉपिक बच जाते हैं जैसे रॉक्स के ऊपर और वॉल्केनोस के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि भाई कितने तरीके के आपका रॉक्स होते हैं, जैसे फिर आपका शील्ड वॉल्केनो हो गया या फिर कोल्डेरा वॉल्केनो हो गया या फिर आपका कॉम्पोजिट वॉल्केनो हो गया, फिर अलग अलग जो बेसिकली आपका शेप बनते हैं जैसे डाइक हो गया, शील्ड हो गया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। रॉक्स के पेपर का एक ही क्वेश्चन आता है रॉक्स में से, वो आता है आपका एग्जाम्पल से कि भाई आपका जैसे ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, बसाल्ट है तो बसाल्ट किसका एग्जाम्पल है, डोरोमाइट है तो वो किसका एग्जाम्पल है, सिल्ट स्टोन है वो किसका एग्जाम्पल है। तो रॉक से वो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्पल से उठा के कि कौन से आपका जो है बेसिकली एग्जाम्पल में क्वेश्चन बन रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे ज्योग्राफी बहुत एक्सपेंडेड टॉपिक है पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे आपको जो है क्या देना चाहिए, आपका ध्यान देना चाहिए। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं हिस्ट्री की। हिस्ट्री को आपका जो है हमने तीन टाइप्स में क्लासिफिकेशन कर लिया है, एक तो एंशियंट, एक मिडाइबल, और मिडाइबल के बाद आपका जो है तीसरा कौन सा, एक तीसरा आपका जो देखेंगे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है जी। इसमें आपका जो है क्वेश्चन एक तो आपका कहां से बनेंगे, एक तो डायनेस्टीज से क्वेश्चन आपका देखने को मिलेंगे, डायनेस्टी के अलावा आपका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपका जो है बेसिकली क्या पूछ रहा है वो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपका जो है क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है जी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री को मैं यहां मार्क कर देता हूं। हिस्ट्री से आपका जो है कहां से आ रहे हैं क्वेश्चन, हिस्ट्री से आपका जो है क्वेश्चन सबसे पहले एंशियंट की बात करें तो एंशियंट में आपका जो है बेसिकली आईबीसी आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इसमें आपका जो है कौन कौन से आईबीसी के आपका साइट्स हैं वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा डायनेस्टीज से आपका जो है क्वेश्चन एक याद रखना है कि हरियंका डायनेस्टी के आपका रूलर कौन थे, वहां पे उन्होंने क्या काम किया, उनका सोशल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, फिर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यहां से क्वेश्चन उठा लेगा। या फिर आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये एक टॉपिक है जो आपका ग्रे एरिया है या मतलब आपका जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट एरिया रहता है यूपीएससी का। तो ये कुछ टॉपिक हैं जहां से आपका जो है आप एंशियंट हिस्ट्री को आपका क्या कर सकते हैं, खींच के आपका कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक आपका जो है बेसिकली यहां से जो पढ़ने वाला टॉपिक होता है वो होता है
जिसे आप इंपॉर्टेंटली कवर भी कर सकते हैं, वो ये है कि जितने भी आपका वेद हैं, वेद या पुराण, या फिर आपका जो है बेसिकली वेद पुराण के बाद आपका जो है जो एरिया रहता है, जैसे हम जैसे कहते हैं वैदिक कल्चर या वैदिक एज, तो ये टॉपिक आपका जो है एक अच्छे से आपका खींच के आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं मिडाइबल की बात करूं तो मिडाइबल में आपका जो है एक क्वेश्चन आजकल जो आपका आता है वो आता है दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत में आपका जो खिलजी डायनेस्टी वगैरह है वहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, और तुगलक डायनेस्टी से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसके अलावा अगर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो कवर करेगा तो कहीं से मुगल्स की आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन या जो अकबर के नवरत्न है वहां से आपका जो है क्वेश्चन वो उठा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर वो आपका जाएगा तो लेटर मुगल्स पे आपका जो है आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं मॉडर्न की बात करूं तो मॉडर्न में आपका जो है कहां कहां से आपका बनेंगे, एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो पढ़ने हैं सारे मूवमेंट, जैसे पीजेंट मूवमेंट हो गया या फिर आपका ट्राइबल मूवमेंट हो गया, वो सारे आपका मूवमेंट आपका देखने हैं। उसके बाद सोशल रिफॉर्मर से एक क्वेश्चन आपका जो है बेसिकली आप देख सकते हैं, सोशल रिफॉर्मर को आप उठा सकते हैं। 1857 के जो रिवोल्ट है उसके बाद की कहानी आपका जो है आप देख सकते हैं कि कहां से कितना इंपॉर्टेंट गया है, इसके रिफॉर्म्स के आपका ऊपर बात हो सकती है। इसके अलावा और कहां से बात हो सकती है, और गांधी जी के मूवमेंट तो आपका जो है मतलब बिल्कुल ये कह लो कि ये तो पीठ है आपका जो यूपीएससी की, कि जहां पे आपका थपथपाई देता है वो कभी भी, ठीक है। तो गांधी जी के मूवमेंट आपका जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, जितने भी आपका जो है बेसिकली क्या रहे हैं बीच के मूवमेंट रहे हैं, जैसे बारदोली सत्याग्रह वगैरह या और भी जो आपका कल्चर रहे हैं या फिर आपका एजुकेशन रिवोल्ट वगैरह जो देखने को मिले हैं, वो सारे आपका जो है आप कवर कर सकते हैं। तो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आपका ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव के बाद अगर मैं आपका आगे बात करूं तो जरा आपका एक टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसे आपका कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स के वैसे मैंने आपका जो है सारे टॉपिक अपन कर ही रहे हैं, और आपका इनकी आपको जो प्लेलिस्ट है वो LWS ड्रीम डिफेंस पे देखने को मिल भी जाएगी। LWS ड्रीम डिफेंस के ऊपर आप जाके आपका जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसको आपका जो है क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल आपका जो है बेसिकली दबा लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है आपने ताकि आपको जो है आपकी शाम की क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहें। इकोनॉमिक्स में देखो सबसे पहले आपका जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है आरबीआई और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यहां से एक क्वेश्चन आपका जो है वो उठा लेता है। इसके बाद बैंकिंग सिस्टम आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जहां पे ऊपर वो बात करता है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। बैंकिंग सिस्टम के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है जहां से आपका जो है वो उठाता है, इसे हम कहते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस। टाइप ऑफ टैक्सेस आपका जो है जैसे डायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं, फिर जीएसटी वगैरह के ऊपर बात हो सकती है। जीएसटी इस टाइम न्यूज में है तो जीएसटी के ऊपर तो बात होना लाजमी है ही है, ठीक है। इसके अलावा पिछली बार आपका जो है क्वेश्चन उसने मनरेगा से पूछा, मनरेगा के आपका जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका उठा सकते हैं आप यहां से। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जैसे आपका जो है वो पूछता है रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, फिर आपका सीआरआर क्या है, सीआरआर के बाद एसएलआर क्या है, एसएलआर के बाद आपका जो है वो पूछता है कि भाई आपका ये बता दो कि एफडीआई क्या है, एफडीआई के बाद जीडीपी क्या है, जीडीपी के बाद जीएनपी क्या है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपका पेपर में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसके बाद जो रेवोल्यूशन के क्वेश्चन आते हैं ना, रेवोल्यूशन के क्वेश्चन आपका पेपर में इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन किसने किया था, फिर उसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन वाली। टाइप्स ऑफ मार्केट का एक क्वेश्चन आपका जो है बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितने तरीके की मार्केट होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं महारत्ना और नवरत्ना कंपनीज से। महारत्ना एंड नवरत्ना कंपनीज आपका जो है बेसिकली टॉपिक रहते हैं इंपॉर्टेंट, और ये आपका जो है टॉपिक आप अपनी तैयारी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका जो है बेसिकली कुछ इलाके हैं। उसके बाद सर अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो देखो पहले ना आपका टॉपिक 6-8 महीने के आपका जो है खींच के करता था आपका कवर, अगर 10-12 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स के आ रहे हैं तो अगर आप जनवरी से और आपका अप्रैल तक अगर आप कवर कर रहे हैं और मान लीजिए 10-12 क्वेश्चन आपका आ रहे हैं तो जनवरी से अप्रैल तक के करंट अफेयर्स में आपको 8-9 क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाते हैं इसी टाइम से। अब 2-3 क्वेश्चन जो वो रहते हैं वो आपका रहते हैं पुराने 3-4 महीने के। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपने इन 8-9 क्वेश्चन को कितने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो जनवरी से और अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है, या ज्यादा से ज्यादा कहूं तो दिसंबर से आपका पकड़ लेना, दिसंबर से आपका जो है शुरू करके और ये वाले करंट अफेयर्स आपका सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है जी। अब आते हैं जरा अपनी बेसिकली बात पे, जैसे हम कहते हैं साइंसेस के बारे में, ठीक है। तो अपना पॉलिटी कवर हो गया, ज्योग्राफी कवर हो गया, हिस्ट्री कवर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। अब जरा एक बार साइंस के टॉपिक की तरफ बात कर लेते हैं। साइंस के टॉपिक में अगर मैं आपका डिवाइड करूं
तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के सेक्शन पे, एक बात करते हैं केमिस्ट्री के सेक्शन पे, और एक बात करते हैं बायोलॉजी के सेक्शन पे। देखो फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें आपको जो है थोड़ा सा जोर लगाना है, एक तो काइनेमेटिक्स है जहां से आप बात कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स के अलावा वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर आपका एक इंपॉर्टेंट रहता है, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पे आपका जो है आपको थोड़ा सा जोर देना है। इसके अलावा ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपका जो है बात करनी है आपको। इसके अलावा आप जो है दूसरी जो बात करेंगे वो कहां से बात करेंगे, वो बात करेंगे आप बेसिकली मैग्नेटिज्म से, मैग्नेटिज्म का आपका एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक ऑप्टिक्स का चैप्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, पढ़ो तो लाइट भी पढ़ लेना। और इनके साथ साथ जो मैंने जितने भी टॉपिक बताए हैं इनके पीवाईक्यू मस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है साइंस में, ठीक है। अब अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहले मैटर की बात कर लेते हैं, मैटर में आपका जो एक टॉपिक आपका देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सोर्सेस जहां से आप बात करते हैं, सोर्सेस ऑफ एटम्स, इनके ऊपर आपका बात हो सकती है। इसके अलावा एक टॉपिक जो रहता है वो मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर हम बात कर सकते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर आपका जो है बात हो सकती है। इसके अलावा दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट हम रख सकते हैं वो कहां पे रख सकते हैं, कार्बोनेट्स कंपाउंड के ऊपर बात हो सकती है। कार्बोनेट्स कंपाउंड आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर रह सकता है, ठीक है, ये बड़ा कार्यकार चैप्टर रहता है कार्बोनेट्स कंपाउंड यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का एक आप चैप्टर पढ़ सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। केमिकल बॉन्डिंग के अलावा आपका जो है अगर ज्यादा पढ़ने का और मन है तो आप पढ़ लेना भाई एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट आपका जो है बेसिकली यहां से आपका जो है कवर हो जाएगा कि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब आते हैं जरा बायो के ऊपर, बायो में आपका सेल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेल के अलावा आपका जो है एनिमल, एनिमल के अलावा एनिमल और एक आपका टॉपिक रहेगा एंड प्लांट जो इश्यूज रहते हैं, एनिमल एंड प्लांट इश्यूज, टिश्यूज के ऊपर जो आपका बात करते हैं, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके बाद आपका जो है विटामिंस वगैरह डेफिशिएंसी, कहां से आपका कौन सी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, तो विटामिन एंड मिनरल से आपका एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहता है उसमें हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। एक टॉपिक अगर आपने और पढ़ना है तो सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के ऊपर आप बात कर सकते हैं। सर्कुलेशन के अलावा एक टॉपिक जो आपके पास रहता है वो रहता है रेस्पिरेशन सिस्टम, और रेस्पिरेशन सिस्टम के बाद आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक जो आप टच कर सकते हैं वो आपका कहां पे टच कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम से भी आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा जी। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको क्या करने हैं, जो आपको टच करने हैं, बिना आपका जो है बेसिकली एग्जाम में इन टॉपिक्स के आप बैठने से पहले सोचें जरा थोड़ा सा। तो ये साइंसेस का एक पोर्शन हो जाएगा, साइंसेस के अलावा आपका जो है मैंने एक, जो जितने भी जीएस वाला पोर्शन है उसका टॉपिक बता दिया, और फिर हम बात करते हैं आपका जो है बेसिकली अपने मैथ्स के टॉपिक के ऊपर। तो मैथ्स में आपका जो है बेसिकली आपको फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका देखने को मिल जाते हैं। मैथ्स में आप जो है बेसिकली कहां पे बात कर सकते हैं, मैथ्स में भी आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप शुरू कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन्स के क्वेश्चन आपका देखने को मिलेंगे। सबसे पहले परसेंटेज का एक टॉपिक है, परसेंटेज आप जो है बेसिकली टच करेंगे ही करेंगे। परसेंटेज के अलावा सीआईएसआई के आपका जो है टॉपिक आपका देखने हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसके अलावा एक टॉपिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस के आपका देखने हैं, पढ़ने ही पढ़ने हैं मतलब ये टॉपिक तो आपको, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है बेसिकली बोट का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, डाउन स्ट्रीम बोट जा रही है, अप स्ट्रीम बोट जा रही है, वहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और टच करना है तो आप जो है बेसिकली कहां जाएंगे, लीनियर इक्वेशन की तरफ आप चल दीजिए, लीनियर इक्वेशन का भी आपका जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। छोटे छोटे चैप्टर हैं ये जल्दी कवर हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका जो है कहां पे, फिर आप जो है बेसिकली एडवांस मैथ के भी कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह में आपका जो है बात कर लेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा और कहां देख सकते हैं आप, और अगर आपको चलना है तो फिर कोन्स और सर्कल्स वाले चैप्टर आपका जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा सा एडवांस मैथ के ऊपर आपका फोकस करके रखती है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जहां से हम आपका देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपके जो है बेसिकली बन जाएंगे, पर इंपॉर्टेंट आपका जो है बेसिकली टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना ही करना है। यहां से आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, और ये एक सिलेबस रहता है बाइंड अप करके, जहां से आप क्या देख सकते हैं, जहां से आप अपनी तैयारी को इनिशिएट करके और एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं। कवर आपको सब कुछ करना है, पर ये कुछ टॉपिक इसलिए बताए हैं ताकि आपका जो है आप पेपर में बैठे तो आपका आधा सिलेबस लगभग आपका जो है कवर हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है एक पूरा तैयारी का रूप समझ में आया होगा कि किस हिसाब से तैयारी करनी है। अगर यह देखना है कि आपका टाइम टेबल क्या फॉलो करना है तो टाइम टेबल की एक वीडियो आ रखी है, आप उसको देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए वो आपका जो है बना दी है।
अगले 3 महीने की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इसके ऊपर हम बात करेंगे बहुत जल्दी। तो आपकी ये पूरी तैयारी आपका जो है बेसिकली आप बाइंड अप कर सकते हैं और यहां से आपको जो है क्या देखने को मिल जाएगा, यहां से आपको जो है तैयारी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप जो है बेसिकली हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं, शाम को आपके लिए स्पेसिफिकली क्लासेस चल रही है, आपका राज सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं आपको, शिवम सर आपका जो है हिस्ट्री की क्लासेस चली रही है, इसके अलावा इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हो रही है लगातार, तो ये सारी चीजें आपका जो है बेसिकली चलती जा रही है और आप उन चीजों को फॉलो करके आपका जो है अपनी अपडेट्स को कारगर साबित कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो एक समझ में आया होगा कि सीडीएस के एग्जाम में क्या क्या फोकस जरूरी रहता है और क्या आपका जो है चीजें जरूरी है। तो इसी अपडेट्स के साथ फिर आपका जो है और नई अपडेट्स के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, शुभ रात्रि, सब बखैर।